ये वीडियो इंटरनेट पर काफी शेयर किया जा रहा है। यूजर्स दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में पुलिस ने गाड़ी पर खाटू श्याम का स्टिकर लगा हुआ देखकर गाड़ी चलाने वाले पर जुर्माना लगाया। जाति हट जाएगी, ब्राह्मण लिखा हट जाएगा। ये जो लिखो आप, ये नहीं लिखोगे क्या? ये खाटू श्याम का लगा हुआ, ये शासन का आदेश नहीं है। नहीं लिखोगे, जाति नहीं लिख सकता है कोई, हिंदू नहीं लिख सकता है। ओम का स्टिकर लगा है या नहीं लगा है? बिल्कुल खाटू श्याम का लगा, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। अब कहता नहीं हटेगा, आप चालान कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल आप कर दीजिए। साथ ही यूजर्स इसके पीछे कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए उसे हिंदू विरोधी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया था। ऑल्ट न्यूज की फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। भाजपा नेता विकास सिंह राजपूत ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया था। इस वीडियो के बारे में पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने ट्विटर पर कीवर्ड्स के साथ सर्च किया और हमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन मिला। इस ट्वीट में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का बताया गया है। इस वीडियो में बैकग्राउंड में हमें चौधरी मशीनरी स्टोर का बोर्ड मिला। गूगल पर सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को ये स्टोर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मिला। साथ ही वीडियो में इस दुकान के बाजू में दिखने वाला ये पीला घर भी मैप पर मौजूद है। राजस्थान पुलिस ने भी इस वायरल वीडियो के बारे में संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने वाहनों पर जाति या धार्मिक स्टिकर लगाने पर जुर्माना लगाने के अभियान में तेजी लाई थी। यानी धार्मिक स्टिकर के कारण वाहन चालक से जुर्माना वसूल कर रही पुलिस का ये वीडियो राजस्थान का नहीं बल्कि यूपी का है और वहां भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी नेता इसे राजस्थान का बताते हुए शेयर कर रहे हैं।